तो यार लोंडिया को बढ़िया देख कर कोई कह सके कि आपको बर्थडे कोई यहाँ बर्थडे विश करने आ गो या की जगह मो करके चलो जाओ अब तो यहाँ लिख लो हैप्पी बर्थडे टू मी अभी देखी जब लाइन लगेगी ना 101 आदमी जाएंगे वो सारे गिफ्ट मो ये देखी जाएंगे देख उरे को टाइम से पहले तेरे गिफ्ट दिखाओ दिखाओ यार बॉक्सिंग का गिफ्ट जो अभी होममेड गिफ्ट है ज्वेलरी रखने के लिए उधर बैठे हैं हमारे गोपाल जी इंतजार कर रहे हैं कब लड्डू आए खाने के लिए ओ लड्डू आ गए और सलोनी के बर्थडे के शुभ अवसर पर क्या क्या मना है घर में कुछ कभी ना मानी सलोनी के बर्थडे पे आज मैंने बनाई है मिक्स वेज और बनाई है पनीर दम बिरयानी मिक्स वेज पूरी रायता वो इनके लिए है और पनीर दम बिरयानी जो है वो मेरे लिए है क्योंकि उसमें प्याज नहीं पड़ी इनके लिए प्याज वाला खाना बन गया है तो कोई बात नहीं बर्थडे है बर्थडे में तो बना ही सकते हैं और गोपाल जी के लिए आ रहे हैं लड्डू और इसका केक आ गया है मैंने अभी पता मैंने स्टेटस पे डाली है मैंने जो खगड़े लेकर है उस पर लिख के गिफ्ट फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड पर्सन मतलब जिससे उम्मीद नहीं थी उसने गिफ्ट दिया तो लक्ष्मी दीदी ने रिप्लाई दिया कि अन्नू ने उसने उसने जान दिया सच में ना माँ पे गई है तो वो ना बोल है पर इतना बोल मत ये कूट को ज्यादा माँ को ज्यादा दे तुम पे तो ऐसा ठीक लगे है ना माँ के पक्ते लगे हैं कुछ खाने को दे दो तेरे को भूखा बैठा हूँ उसमें तो पेट खा लेके आज या लोनिया ना देखो इसको जन्मदिन है तो थोड़ा तो खाना ना खाया क्यों ताकि शाम को ज्यादा खा पावे जैसे पहले जमाने में करे ना शादी वगैरह हो गई जाना हो गया तो सुबह से इंसान भूखे रहने लगे क्योंकि शाम को शादी में जाना दावत मिलेगी ऐसे ही आ गया चिड़िया ने सुबह से चुप बोल आ चुकी नहीं तो यहाँ टाइम समझू नहीं जाती थी पर ये होगा चिड़िया को उंगे देख कर उंगे देख के रहो बोल की का तू का कर दो तेरी इतनी तरह चच में चिड़िया के तेरी काट मत असलियत सच्चाई दिखा के रहूंगी चलिए तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या बनाया इसके बर्थडे पर अभी तो लड्डुओं का ऑर्डर दिया जा रहा है गोपाल जी के लिए और देखिए ये पूरी एक टब भर के ये सब्जी रखी है और इधर रखी है इस इंसान को अकेले सब्जी लेने भेज दो तो पूरी मंडी उठा के आएगी सब्जी और इधर हमारी दम बिरयानी दम मार के बैठ नहीं तो चपाती जान रहे हैं टेबल तैयार है केक कटने के लिए केक है फ्रिज में और देखिए इधर क्या कर रहे हैं ये इंसान लो मैं इसे खुलाई छोड़गी तो इधर यहाँ पर देखिए बिरयानी हमारी तैयार है और तब तक ये आई नहीं है तो तब तक मैं यहाँ पे सब्जियाँ धुल रही हूँ सब्जी इतनी सारी मैंने धुल दी और इतनी अभी बाकी धुलने के लिए रखी हैं तो चलिए आ गए हैं ये लोग तो घर में जो बना है वो तो बना ही है बाकी उसके अलावा भी पिज्ज़ा पार्टी है बच्चों की और यहाँ पर बर्गर भी आया है मेरे लिए बिना प्याज का और ये आए हैं गोपाल जी के लिए लड्डू ये तो ठीक है पास लाए तो ये तो बढ़िया
वे वाले ना चले तो मूली लाल लाल से जो रखे रहे, ये तो बढ़िया है। थोड़े कटो लेकर आपको कन्हैया को दे दिया दूध और लड्डू भी साथ में। मेरे कहने चला जाओ भाई, कौन और तीन बड़े मंगाए दो छोटे अरे अम्मा आ जाना, और साथ ना और किन बात पे देखा था क्या, और तुम्हारा सिग्नल जाओ ना, और मैं काके दूंगी उन्हें, किसे काके दूंगी हां दादा बोल दे, और तैयार कर और तुम लोग छाव माथा तुम्हें एक ही लगा दो, एक ही लगा दो, अच्छा मैं आ रहा नहीं बात करा तो क्या, तीन लोग यार हां तो इधर आ हां तो इधर आ, ऐसे ही आएगा सुबह सुबह हैप्पी बर्थडे दिया वाला ना, अरे पंखा पे ठंडे हो जाएंगे तो इधर चल रही है पिज्जा पार्टी सलोनी के बर्थडे पे, अनु दमादम खाए जा रहा हूँ पीछे बैठ के मुंह उठक में लेकर, और इंगे सुंदर सिंह मुंह सानते हुए अपना सलोनी फुल फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, तो चलिए हम भी कर लेते हैं। तो जी ये है हमारा छोटा सा परिवार, छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं, और इसी तरीके से होना भी चाहिए, कभी भी वेट नहीं करना चाहिए कि कब कल ऐसा होगा परसों वैसा होगा तब हम ये करेंगे। जो समय है जैसा है उसे भरपूर इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, कल का कोई भरोसा नहीं है, और लॉकडाउन के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आज है 14 अप्रैल और आज है सलोनी का बर्थडे, सलोनी के बर्थडे की बर्थडे पार्टी चल रही है। आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।